ये जो मोदी सरकार में जितने अंधभक्त भरे पड़े हैं ये, अरे सुन लीजिए, अरे सुन बताता हूँ, चमचो सुनो, आजकल तो वो ब्रूसली बन रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं आजकल, वो पुरुष नहीं महापुरुष है, अरे तो पुरुष नहीं महापुरुष है, दिल्ली से लोग भाग रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, दिल्ली के युवराज कश्मीर जा रहे हैं, और वहाँ कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हमारा आपका खून का रिश्ता है, इतना दिन से सोए हुए थे, जो 99 सीट जिनको आया है, 3 बार जो फेल हुए हैं, वो दिल्ली से आजकल कश्मीर जा रहे हैं, और वहाँ जा के लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमसे आपका जो है खून का रिश्ता है, फिर भी लोग वहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि काहे का खून का रिश्ता भैया, ना आपका यहाँ जन्म हुआ, ना आपका कोनो रिश्तेदार, ना जान, ना जाति, ना धर्म, कुछ पता ही नहीं, कैसे हमारे रिश्तेदार और कैसे खून का रिश्ता हो गया आपका। उन्होंने तो कई बार कहा है कश्मीरी पंडित है हम, हो सकता है उसी से कोई पता नहीं वो कौन से कश्मीरी पंडित है, हमको तो पता नहीं चल रहा है, चुनाव आते ही वो पंडित बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी उनको महापुरुष का दर्जा मिल जाना चाहिए, और जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे राजीव गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, नेहरू जी ने अपने आप को ले लिया, वैसे राहुल गांधी को सबसे पहले भारत रत्न ले लेना चाहिए। महापुरुष आपने कहा, महापुरुष है, महापुरुष ना होते तो मोदी जी डरते काहे, राहुल गांधी, मोदी जी कहाँ डर रहे हैं उनसे, बार बार कांग्रेस कहती है कि डरते हैं राहुल गांधी से, डर तो ये रहे हैं, लोकसभा में ये मुद्दा उठाए थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, 85-100 अभी 2-3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी से, मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान जातीय जो है क्या कहते हैं, जातीय जनगणना करने की बात, तो जाति जनगणना के ठीक है बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जब पिछले 70 साल में इनकी सरकार रही तब कहे नहीं ये जाति जनगणना करा दिए हैं, पहले अपनी जाति तो बता दे, अनुराग ठाकुर जी ने कह दिया कि जिसकी खुद की जाति पता नहीं वो दूसरी की जाति पूछ रहा है, तब उनको जो है कि बुखार दे, तो पूरा बीजेपी वाले मिलके गाली देते हैं, जितना गाली देना है दे लो, गाली करते रहे, संघर्ष कर रहे हैं, करिए आप, 3 बार फेल हो ही गए हैं, आप फेल होते रहिए आगे भी, 3 बार तो आप फिर फेल हो गए, इस बार जो फेल हुए हैं 100 से पार नहीं जा पाए, आपने झूठ बोल के जो है एग्जाम दिया है, 543 नंबर में झूठ बोल के चीटिंग करके आप 99 नंबर ला रहे हैं, फिर काहे का जो है कि आपको ये है, आज ये स्थिति हो गई है कि इनकी घबराहट, इनका बीपी बढ़ गया है, पूरे तरीके से नरभसा गए हैं कि कश्मीर में जो विकास हुआ है ना पिछले 10 साल में, वो विकास को कैसे ये फिर से झूठ की राजनीति में बदलना चाहते हैं। जब राहुल गांधी कश्मीर गए तो उन्होंने देखा सबसे पहले लाल चौक पे भारत का तिरंगा बड़े शान से लहरा रहा है, ये देख के उनके अंदर जो मायूसी छाई कि पिछले 70 साल में मायूसी क्यों छाएगी भाई, नहीं छाई, नेता विपक्ष है, देश का ध्वज है, देश का तिरंगा, आप जो जिसे नेता विपक्ष कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारी एक पैसा नहीं है, पिछले 70 साल तक कश्मीर में जो है कि पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा, तब कहां गई थी इनकी नैतिकता, आज जब राहुल गांधी गए कश्मीर, उन्होंने देखा कि कश्मीर में भारत का तिरंगा लहरा रहा है, जब वो देखे कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा चिनाब ब्रिज बना है, है ना, जब वो देखे कि एम्स बन गया कश्मीर में, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल गई, उसके बाद जो राहुल गांधी अंदर से हताश और उदास हुए, हाल में कांग्रेस सरकार रही जनरल डिब्बा कितने थे और आज जनरल डिब्बा कितने, वो देखना जाके तुम, और सुन लीजिए, आप बात करते हो ना, इतने जनरल डिब्बा नहीं, इतनी संख्या ज्यादा है, वो किसकी संख्या है आप देख लीजिए, और ये मोदी जी कहते हैं मोदी जी की संख्या ना है, सुन लीजिए, जब आप बात करते हो ना तो आप जाके देखिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है वहाँ पे, जाइए ना आप, उनको ट्रेन भी छोड़नी पड़ जाती है, उनका सिलेंडर के दाम कितने, अरे भैया एक मिनट, साथ में ट्रेन की स्थिति भी बता दीजिए, पिछले 70 साल में ट्रेन में बाथरूम में और बोगी में कोई फर्क नहीं था कि बाथरूम में बैठे हैं कि बोगी में बैठे हैं, आज जो स्थिति है ट्रेन की, रेलवे की, है ना, वो भी आप बता दीजिए, पूछ लीजिए, सुन लीजिए, बिहार बता दीजिए, आप के लोगों को जाके पीछे बाथरूम में जाके सफर कर रहे हैं वो लोग, आज लोग वंदे भारत में चढ़ रहे हैं, इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि लोग कैसे चढ़ रहे हैं ना, गरीब लोग नहीं चढ़ रहे, जो अमीर लोग हैं वो चढ़ रहे हैं, आज भारत करिए, सुन लीजिए, अरे भाई है ना, इनको हजम नहीं हो रहा है, आज कश्मीर में पिछले 70 साल में नहीं खुला, आप बताइए आपके पास नहीं, तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कितनी यात्रा कर ली पूरे भारत में, कहाँ घूम लिया तुमने, बताओ, घूमे कहाँ घूमा तुमने, बताओ, सब जगह घूम लिया, सब जगह देखा है, पाकिस्तान गए थे, कौन तुम चले जाओ पाकिस्तान, मैं तो चला जाऊँ, तुम जाओगे, हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान, हमारी औलाद है, तुम हमारी औलाद बन के रहो ना, फिर हमारी औलाद बन के रहो, इनको इन जैसा क्या पता है, तुम्हें क्या पता है, अरे तुम नहीं, तुम ये बता रहे हो जनसंख्या, तो ये भारत है ना, हाँ तो घुसपैठी किसका है, घुसपैठी, इन्होंने गलत ही क्या कहा भाई, इतना परिस्थिति खराब है ट्रेनों की, क्या है हिमाचल की स्थिति, क्या है हिमाचल में स्थिति,
गाली किसने का सुन लीजिए भुखमरी सुनो वो जो सुखे सुख सुख स्थिति है कांग्रेस सरकार में इतनी भुखमरी की नहीं थी आपके जो थी कोरोना के अंदर में भूखमरी है जो सीएम है सुखा भूख मर रहा है भूख से मर रहा है ना पीए लेने की बात कर रहा है ना दो महीने से कह रहा है ना पीए लूंगा ना डीए लूंगा भूखा मर रहा है और कटोरे लेकर भीख मांगेंगे इसका सीएम यार तुम सवाल ही नहीं सुनने वाले तुम लोग चार लाइन बोल अरे तुम चार लाइन सुन लो तुम सुनोगे तुम बसर कहाँ तक पाली जाए गुलामी कहाँ तक टाली जाए तू भी चौंग तू भी अरे तुम सुनो शब्दों का मर्यादा रखिए शब्द बसर कहाँ तक पाली जाए गुलामी कहाँ तक टाली जाए तू भी कांग्रेस छठ जहाँ तक ना ली जाए ठीक है ये जो मोदी सरकार में जितने अंधभक्त भरे पड़े ये अरे सुन लीजिए अरे सुन बताता हूँ चमचो सुनो जो अब मैं तो सुनो जो लोग अंधभक्त प्यारे हो अरे सुन लो ना फिर सारे अंधभक्त गोखले मिर्ची लगती है सुनो अगर सच्चाई की बात करते हैं अरे हाथरस कांड में जाके देखिए और सुन लीजिए अपनी औकात पे आ गए हैं जब बात आ गई ये हर एक बात पे बस इनको अंधभक्ति आज हिमाचल में हिमाचल सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है आज हिमाचल में हिमाचल सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है मुख्यमंत्री कह रहा है कि सारे मंत्री और विधायकों की सैलरी रोकी जाएगी कौन करा रहा मणिपुर जो हिमाचल में अच्छा जगह जगह जो किसने रोका पूछो पप्पू ने किसने रोका अमित शाह गए थे अमित शाह गए थे वहाँ पे बाद में पप्पू गया कुछ नहीं रोका जो अपने नेता को खुद पप्पू कह रहा है अगर ऐसे समर्थक हो जो अपने नेता को खुद पप्पू कह रहा है आपके पप्पू ने देख लीजिए जो मोदी जी का नारा लगाना चाहते चमचे अपने राहुल गांधी को पप्पू के अलावा और कुछ बोल नहीं सकते है फटाफट वाला सुनो ये सुनो जो अंधभक्त कहते हैं ना या तो इसके इरादे नेक नहीं या तो इनके बाप एक नहीं आज हमने 10 सालों से सिर्फ मोदी करने लगा तो ये हमको अंधभक्त बोल रहे हैं और ये 60-65 सालों से सोनिया माता के जो तलवे चाटते रहे ये चमचों को ये कुछ नहीं कहेंगे क्या मिर्ची लग रही है बाबा 10 साल हम मोदी करने लगे चिल्ला रहे सुनो हम संसद में तुम्हारा पप्पू भी नहीं सुनता ना विपक्ष के चमचे तुम भी नहीं सुनते हाँ, क्या नहीं ये वो लोग हैं ना तो किसी की सुनते ये भैं करते रहेंगे ये सुनते नहीं है किसी की भी अच्छा। ये भाजपा वाले क्या करते हैं अपनी बात सुनाओ दूसरी की मत सुनो वही मोदी जी ने करा अपनी बात सुन लीजिए अरे भाजपा ने कौन से देश की इतनी बात रखी है मम्मी देखते हैं गांजा पी के सुनो राहुल गांधी मोए मोए राहुल गांधी सोए सोए और चमचे करे मोए मोए अरे सुनो मोदी जी ने आज तक निकाल रहे थे जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे मोदी सरकार ने कितने पंप पीटे थे किसी पर यात्रा रुकी किसी पर रुकी और सुन लीजिए जब मोदी पप्पू वही जिसका बाप अरे भैया सुन ले जिसका बाप दादा देश को टुकड़े करके चला गया उसकी औलाद देखो चमचे ऐसे ही भागते हैं सवाल पूछो ना वही पप्पू का ये जब पप्पू देश हित की बात करता है वही पप्पू का ये माइक बंद करा देते हैं ये लोग और सुन लीजिए हाँ पप्पू का माइक बंद करा देते हैं माइक क्यों नहीं कराते कौन बंद कराता खूब बंद कराते हैं वो अभी वही क्यों नहीं तेरी एंट्री होती है वहाँ पे तुम्हारी एंट्री राहुल गांधी है जो कहते हैं हम चीन कौए को रोजगार चाहूंगा तो पप्पू कहता है हिंदू हिंसक होते हैं हिंदू असत्य होते हैं हिंदू झूठे होते हैं ये वो लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करने वाले फेक वीडियो है फेक वीडियो दिख रहा है पश्चिम बंगाल में जो कांड हो रहा है इनको फेक वीडियो दिख रहा है वहाँ पे ट्यूट नहीं होता विपक्ष के लोगों का जो बांग्लादेश में इतनी हिंदू निर्दम तरीके से हत्या होती है राहुल गांधी को सीरियस कोई नहीं लेता है बस वही कांड ये इन्हें अपनी दिखाई दूसरों को दिखाई नहीं देते पप्पू भैया कि मिस इंडिया कैसे चुनते हैं मिस इंडिया का सिलेक्शन कैसे होता है भैया बात अच्छा होना चाहिए यार बात सुन लो बोलो भाई तू भी सुन रहा है भाई तू तो बोले जा रहा है बोले जा कितने लोग हैं यहां पे बता तेरी बात सुन तो रहे हैं ये हरियाणा के अंदर देख लेना हरियाणा के अंदर भूसुपड़ा साहब है बीजेपी का।